दक्षिण पंथ विचारधारा और बीजेपी के खिलाफ खुलकर अपनी आवाज रखने वाली गौरी लंकेश की हत्या कर दी गई, जिसकी हर तरफ कड़ी निंदा हो रही है। इस बीच गौरी लंकेश की शख्सियत कैसी थी, जानने के लिए सीधे आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं ज्योति के पास। जी शुक्रिया नेहा, गौरी लंकेश के बारे में आपको बताएं कि कल रात उनका निधन हो गया, उनके गोली मारकर हत्या कर दी गई। कौन थी गौरी लंकेश, ये सभी जानना चाहते हैं। गौरी लंकेश पत्र के नाम की पत्रिका की संपादक थी और कहा जाता है कि इसे 50 लोगों का ग्रुप चलाता था, कोई ऐड इसमें नहीं लिया जाता था। कट्टर दक्षिण पंथ विरोधी विचारों के लिए वो जानी जाती थी, बीजेपी विरोधी वो पत्रकार थी। जेएनयू के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को वो अपना बेटा मानती थी, कई बार वो उनसे मुलाकात हुई और कई बार ये तस्वीरें भी गौरी लंकेश और कन्हैया की हमने देखी। नक्सलियों के पुनर्वास को लेकर उन्होंने काफी काम किया था गौरी लंकेश ने, और बीजेपी सांसद की मानहानि की दोषी ठहराई गई थी गौरी लंकेश, जिसमें उन्हें दोषी भी अभी हाल ही में ठहराया गया था। हालांकि उसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में भी इसके बारे में अपील की हुई है। तो गौरी लंकेश की जो हत्या हुई है उसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और आज कई जगह देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी किया जाएगा। नेहा, तो ज्योति ने आप तक गौरी लंकेश की क्या शख्सियत थी, किस बात के लिए वो जानी जाती थी ये बताया। गौरी लंकेश का झुकाव वामपंथ की ओर था और वो कट्टर दक्षिण पंथ और बीजेपी के विरोध के लिए जानी जाती थी। गौरी के विचार जानने के लिए कुछ अहम मुद्दों पर उनके पुराने ट्वीट्स हम आप तक पहुंचाते हैं, जिससे आपको ये समझ आएगा कि आखिर गौरी के विचार क्या थे। देखिए एक ट्वीट उनका पुराना, क्या रोहिंग्या आतंकवादी हिंदुओं की हत्या और उनके घर और मंदिर जला रहे हैं? तो देखिए किस तरह से हिंदुओं को आतंकवादी बोल करके कोट्स में डाल करके उन्होंने कहा, और आपको पता होगा रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर के ये उनका सबसे ताज़ा ट्वीट्स में से एक है। आगे एक और ट्वीट, एक मिनट का मौन उन संघियों के लिए जो बीफ खाने वालों को लटकाने की धमकी दे रहे हैं। अब मौन किस लिए रखा जाता है आप समझ सकते हैं, गोमांस को लेकर के और गोरक्षा को लेकर के जिस तरह से कई लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा है उस पर तंज कसते हुए वो। इसके अलावा एक और ट्वीट उनका, उत्तर कोरिया हमसे काफ़ी पीछे है, वो अभी हाइड्रोजन बम का ही परीक्षण कर रहे हैं। गौरी लंकेश का कहना कि वो अभी हाइड्रोजन बम का ही परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन आगे वो कह रहे हैं हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऑक्सीजन बम का परीक्षण कर लिया है जिससे सैकड़ों की मौत हो गई है। तो जबरदस्त कटाक्ष उनका गोरखपुर कांड को लेकर इस तरह से सीधे सीधे जिक्र ना करते हुए उत्तर कोरिया के तानाशाह के साथ, तानाशाही व्यवस्था के साथ अपनी व्यवस्था की तुलना करते हुए। अब आप इन ट्वीट से अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका लहजा बहुत तीखा होता था दक्षिण पंथ विचारधारा की तरफ और बीजेपी के विरोध को वो खुलकर मुखर आवाज में सामने रखती थी। एबीपी न्यूज के इस पूरे घटनाक्रम पर कुछ सवाल हैं। जिस तरह से एक पत्रकार की हत्या हुई है एक लोकतंत्र में, उसके बाद सवाल ये उठता है पत्रकार गौरी के हत्यारे गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, कल रात ये घटना हुई 7:30 से 8 के बीच, लेकिन आपको बता दें पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दूसरा बड़ा सवाल, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? राहुल गांधी ट्वीट करके कहते हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए, पर कर्नाटक में तो उन्हीं की पार्टी की सरकार है, वो क्यों नहीं कहते इंसाफ मिलकर रहेगा? कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार क्या करेगी गौरी के हत्यारों को पकड़ने के लिए, वो देखना होगा। तीसरा बड़ा सवाल, क्या दक्षिण पंथ के विरोध की वजह से हत्या हुई? जिस तरह के उनके विचार थे, जो तीखे हमले वो दक्षिण पंथियों पर बोलती थी, क्या इसी वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी? एक और अहम सवाल, क्या हर विरोधी विचार को दबाया जा रहा है? और यही सवाल गौरी लंकेश की हत्या के बाद पत्रकार जगत पूछ रहा है, लोग पूछ रहे हैं इस देश में कि अगर आपकी विचारधारा अलग है उन लोगों से जो सत्ता में बैठे हैं, तो क्या आपको जीने का हक नहीं है, आपकी हत्या कर दी जाएगी? अब नजर इस बात पर होगी कि उस प्रदेश में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो आखिर हत्यारों तक कब पहुंचती है और उनका क्या अंजाम होता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।